इंडिया टीवी आपकी आवाज। माननीय डेप्यूटी चेयरमैन सर, तो पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 हमारे साथी राकेश सिन्हा जी ने सम्माननीय सदन में लाए हैं। उसके पर सम्माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी अपनी बात रखी है। सरकार की ओर से मैं मेरा पक्ष रखना चाहूँगा। और डिप्टी चेयरमैन सर, जब मैंने विस्तार से बिल का अभ्यास किया, उसमें से जो बिंदु या तो राकेश सिन्हा जी का जो भाव है, वो क्या चाहते हैं बिल के माध्यम से, उसके मन में उन्होंने जो विषय रखा है, वो दो की दो बच्चे होना चाहिए। दूसरी उसकी अपेक्षा है बिल के द्वारा कि सभी को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलना चाहिए और अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द इक्वलिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, सभी को बेस्ट स्वास्थ्य सुविधा मिले और उससे सब लोगों को अच्छा फूड मिले, सभी विभाग में अच्छा फूड मिले, अच्छे ट्रीटमेंट मिले, देश में सभी क्षेत्र में सभी राज्य में अपने अपने ओर से सभी नागरिकों को सारी व्यवस्थाएं अच्छी मिले, उसका जीवन धोरण अच्छा बने और उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ये उसका कुल मिला के उद्देश्य था। उसके उद्देश्य में ये भी था कि सभी एज वाले को भी, सभी सेक्स, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी क्लास, सभी रेस, सभी रेसिडेंस, सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोग, सभी को इक्वल डेवलपमेंट, इक्वल अपना स्वयं का विकास के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, इस उद्देश्य से सम्माननीय सदस्य इस बिल को लेके आए हैं। इस बिल के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश में पहले से ही, और जैसे यहाँ सम्माननीय सदस्यों ने भी बताया, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसे नारे भी चले, उसके लिए कई टाइप के इनिशिएटिव भी लिए गए और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो हमारे यहाँ 1952 से है, जिसकी तरह से हम देश में जनसंख्या को नियंत्रित करें और उसके लिए 2020 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फिर से लाई गई। और इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये था कि हमें पॉपुलेशन तो कंट्रोल करना है, सब लोग चाहते हैं, और सभी के बात में ये नहीं आया कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। सभी ने कहा कि पॉपुलेशन नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या हो, किस तरह से आप उसको पॉपुलेशन को नियंत्रित करें। क्या हम सभी को कंपलसरी फैमिली प्लानिंग करवा दें? क्या हम सभी के, जब कटोकटी के दरमियान हुआ था, इमरजेंसी के दरमियान हुआ था, क्या ऐसा करें? जी नहीं। तो ये साधारण इस भावना पर आगे बढ़े कि हम पब्लिक को एजुकेट करें, सोसाइटी को एजुकेट करें और सोसाइटी को इस तरह से हम ये विषय को समझाएं जिसके माध्यम से जनता स्वयं ही पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में आगे बढ़े। और मैं मानता हूं कि जो आज तक एफर्ट हुआ, इस एफर्ट का नतीजा ये निकला है कि हम उसमें सक्सेस भी रहे हैं और ज़्यादातर आज हम जो गोल अचीव किए थे, गोल की दिशा में, सही दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, ये आज तक का निष्कर्ष निकल रहा है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, आपको पॉपुलेशन को नियंत्रित करना है। और पहले जब पॉपुलेशन बढ़ता, पे 5 बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे, ये समय था, और ये समय में ये भी समस्या थी कि बच्चे, चाइल्ड का डेथ ज़्यादा होता था, बच्चे बड़े होने के पहले ही उसका डेथ हो जाता था, इसलिए ही परिवार, कई परिवार में ऐसा था कि बच्चा ज़्यादा होना चाहिए, कोई मर जाएगा तो फैमिली हमारी वो न हो जाए, इस दृष्टि कई भाव थे, कई स्थिति थी। स्थिति को देखते हुए उस वक्त जो बच्चे का जन्म ज़्यादा होता था, बच्चे ज़्यादा होते थे, लेकिन समय के साथ उसको इनहेंस, उसमें से बदलाव लाना है तो क्या करना चाहिए। तो ये भी बात आई कि भाई हेल्थ, सभी को हेल्थ एक्सेसिबल भी होना चाहिए और हेल्थ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। हेल्थ एक्सेस हो और हेल्थ अफोर्डेबल हो, उससे बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें बच्चे का जन्म के बाद उसका मृत्यु ना हो, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिले, जन्म के दरमियान उसकी माँ का मृत्यु ना हो, अच्छी तरह से उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, उसके लिए सुनिश्चित और व्यवस्था खड़ी की हो,
ये सब आवश्यक चीजें थी और उसको उसकी परिपूर्तता करने के लिए 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ला गई और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत देश में हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए नंबर ऑफ इनिशिएटिव लिए गए, आयुष्मान भारत जैसी योजना चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य यह है कि हेल्थ अफोर्डेबल हो, गरीब परिवारों, बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, तो गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है। जब अमीर के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, और लेकिन जब गरीब के यहाँ बीमारी आती है तब उसके यहाँ दिक्कत ना हो। एक कोई माँ के यहाँ डिलीवरी का समय आया हो और उसके जेब में पैसा ना हो और वो हॉस्पिटल जाना चाहती हो और हॉस्पिटल वो नहीं पहुंचे और उसका मृत्यु ना हो जाए, इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई माँ या तो कोई परिवार 5 लाख तक अपने यहाँ कोई भी टाइप की बीमारी हो तो उसकी ट्रीटमेंट भारत सरकार की ओर से हो जाए, गवर्नमेंट उसका खर्च उठा ले, एक अच्छी व्यवस्था बनी। इसके तहत आज 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ट्रीटमेंट भी ली है, उसमें बच्चे को भी ट्रीटमेंट मिली है, उसमें बड़ों को भी ट्रीटमेंट मिली है, उसको माता को भी ट्रीटमेंट मिली है, सब लोगों को उसके वजह से ट्रीटमेंट मिली है, इसलिए वो हेल्थ अफोर्डेबल हो रही है। हेल्थ एक्सेस करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हेल्थ एक्सेस दूर सुदूर गांव तक पहुंचना चाहिए, लेकिन दूर सुदूर गांव तक पहुंचने के लिए होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। और हम केवल गांव में जाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ा कर दे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू करें, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी चालू करना है और वहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध कराना है, और वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो इसलिए जब 2014 के पहले हमारी सरकार बनी उसके पहले जो भी प्रयास हुआ हो वो भी प्रयास हुआ है, और 2014 के बाद जो मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें थी वो 52,000 थी, उसमें से बढ़ाकर आज वो 92,000 हो गई और आने वाले दिनों में 1 लाख हो जाएगी, तब जाके हम देश में डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर निर्माण करेंगे तो जाके हेल्थ एक्सेस करेंगे, और हेल्थ एक्सेस तब होगी जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर हो। डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, टर्शरी केयर के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और इसलिए PG की सीटें भी हमने 30,000 से 31,000 से बढ़ा के 62,000 कर दिया, सीट और भी आगे बढ़ रही है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ केयर एक्सेस कैसे हो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए तय किया कि देश में 1,50,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्देश्य क्या है, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको अपग्रेड करके वहाँ कई टाइप की फैसिलिटी मिले, और फैसिलिटी में उसको कैंसर की वहाँ ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ये सारा डायग्नोसिस वहाँ ही हो जाए, 13 प्रकार के डायग्नोसिस भी वहाँ हो जाए, टेस्ट भी वहाँ हो जाए, और टेस्ट होने के बाद वहाँ टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था हो जाए। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ एक लैपटॉप भी दिया गया है, वहाँ ये लैपटॉप के माध्यम से सीधा टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पे जाके, मैं एक थोड़े दिन पहले झज्जर जा रहा था, रास्ता में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आया, मैंने कहा नहीं था मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन मैं जाते जाते रास्ता में मुझे पता चला वहाँ लिखा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो मैं नीचे गाड़ी लेके वहाँ गया, अंदर बैठा, मैंने देखा एक MBBS डॉक्टर PGI चंडीगढ़ से, एक पेशेंट उसके बगल में बैठा था और पेशेंट के साथ वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते उन्होंने लगा कि मुझे स्पेशलिस्ट की सलाह लेने की आवश्यकता है, तुरंत ही उन्होंने ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पे जाके PGI चंडीगढ़ से, हरियाणा गवर्नमेंट का टाइप है, उन्होंने वहाँ ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ बातचीत किया, मेरे पेशेंट को ये दिक्कत है, ये समस्या है, क्या करना चाहिए। दोनों डॉक्टर ने आपस में बातचीत की, दोनों डॉक्टर ने आपस में बातचीत करने के बाद पेशेंट से स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बातचीत की गांव में बैठ के, और गांव में बैठ के ये स्पेशलिस्ट ने ये पेशेंट के साथ बातचीत करके उसको कहा कि मैंने डॉक्टर को बोल रहा हूँ कि ये टाइप की आपको मेडिसिन दे देंगे, 7 दिन के बाद आपकी रिकवरी नहीं होगी तो आप फिर से आइए। ये हेल्थ एक्सेस का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस दृष्टि से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से 1,10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज देश में शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू हो, वहाँ कोई माँ जाए, कोई गर्भवती महिला जाए, कोई बच्चे वाली माँ जाए, उसको जिस टाइप की ट्रीटमेंट चाहिए उसकी प्राथमिक ट्रीटमेंट वहाँ मिल जाए। इस दृष्टि से हेल्थ एक्सेस हम आगे कर रहे हैं।
फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव भी हम ले रहे हैं। और देश में यहाँ एक सम्मानीय सदस्य बोल रहे थे, केरला के शायद अभी नहीं है, कि अपने यहाँ हमने एम्बुलेंस लाई है जो माँ बेटे को लेने के लिए, या तो जब प्रेग्नेंट वुमेन्स को हॉस्पिटल ले जाना है तो उसके लिए भी एम्बुलेंस आती है, वो भारत सरकार ने उसमें मदद किया है। और ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया हो, ये बात अलग है। लेकिन आज सारे स्टेट में अलग अलग नाम से कुल मिला के देश में 15,528 ऐसी एम्बुलेंस सेवा शुरू, ऐसी एम्बुलेंस है जो ऐसी स्थिति में गांव से या तो दूर सुदूर से पेशेंट को लेके वो अपने हेल्थ सेंटर तक लाते हैं, या तो ब्लॉक स्तर पर लाते हैं और उसको ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं। ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भारत सरकार के सहयोग से सारे देश में कार्य योजना अमलीभूत है। वैसे ही देश में इतना करने के बाद भी भारत सरकार ने ये तय किया कि सचमुच में स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस टाइप की मदद चाहिए, इस टाइप की मदद उसको उपलब्ध हो, इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता हो, उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन से हम पैसा दे रहे हैं। ऐसे देश में 5,972 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिसकी सैलरी भारत सरकार की ओर से दी जाती है, 16,000 मेडिकल ऑफिसर की सैलरी भारत सरकार की ओर से दी जाती है, 61,000 नर्सिस की सैलरी भारत सरकार की ओर से दी जाती है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके, बेस्ट सहयोग करके, हम दूर सुदूर इलाके में रहने वाले गरीब पुअर पेशेंट या तो सामान्य लोगों को हम हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराएं। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, उसका लाभ भी ऐसी स्थिति में हमारे देशवासियों को मिल रहा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अलावा माननीय डेप्यूटी चेयरमैन सर, हमने उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन और हाईली फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट अप्रोच अंडर मिशन परिवार विकास का भी काम शुरू किया है, जो परिवार विकास योजना के तहत जिस स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, ऐसे स्टेट को आइडेंटिफाई करके वहाँ बेस्ट से बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके उसको मदद की जाए, वहाँ ऐसी पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाए। और ये पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम का लाभ ऐसे क्षेत्र में ऐसी महिलाओं को, ऐसे दूर सुदूर गांव में जाके पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से हम फैमिली प्लानिंग या तो परिवार कल्याण की बात करें और अपना पॉपुलेशन कंट्रोल इस तरह से ही हो, जैसे कि कोई बलजबरन भी ना हो, कोई कंपलसरी भी ना हो, लेकिन भी उसका अच्छा परिणाम भी मिला है। जब टोटल फर्टिलिटी रेट देश में आज कम होने लगे हैं और वो आज लगभग 2% के नज़दीक आ गया है, वो अच्छी बात है, जो हमने 2025 तक इस गोल को अचीव करना है। और एक गोल को अचीव करने की दिशा में हम गति से आगे बढ़े हैं, ये इंडिकेशन है कि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग कार्य योजना जिस दृष्टि से चल रही है वो सक्सेस की दिशा में है। और यही रास्ते से हम देश में फैमिली प्लानिंग करें। और माननीय स्पीकर, माननीय चेयरमैन साहब, जो एक दूसरा भी महत्वपूर्ण विषय है कि हमें ये भी आवश्यक है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, हेल्थ केयर सुविधा उसको उपलब्ध कराए, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर करें। उसमें से ही ये ऑटोमेटिक ये विषय आता है कि आपके बच्चे जन्म के बाद वो स्वस्थ रहेंगे, और हर परिवार की अपेक्षा होती है कि बच्चे स्वस्थ ही रहे। और अपने स्वस्थ बच्चे रहे इस दिशा में हमने ये सारी व्यवस्थाएं शुरू की है और उसका अच्छा लाभ भी आज मिल रहा है। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हम जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कर रहे हैं और हम जब सेंसस देखते हैं, और सेंसस के आधार पर भी हमारा नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमें जो सफलता मिली है, ये सफलता भी हम सब जानते ही है। 1971 में 2.20 हमारा एवरेज एनुअल एक्सपेंशनल ग्रोथ था, वो बाद में 1981 में 2.2.2 हो गए, 1991 में 2.14 हो गए, 2001 में वो 1.97 हो गए, और 2011 में वो 1.64 हो चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारा
पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलर घटता जा रहा है, ये भी एक हमारी अच्छी सफलताएं दिखाई दे रही है। जब हम 1951 में देश में पहली बार जब जनगणना हुई थी तब 36 करोड़ का पॉपुलेशन था, वो आज बढ़ के 121 करोड़ तक पहुंचा है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बीच में बहुत जब 60 से 70 80 तक जिस गति से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था उसमें बहुत गिरावट आई है, और एक गिरावट एक अच्छा इंडिकेशन है जो हमें आने वाले दिनों में हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्य को परिपूर्तता के लिए हमें उपयोगी होगा। उसके अलावा एक ये भी विषय था कि पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन हम कैसे करें। जैसा मैंने आगे बताया मिशन परिवार विकास योजना हमारी चल रही है, उसके अलावा ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम नीचे तक कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक हमारे गांव में काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं, ये आशा बहनों को ट्रेनिंग दी गई है। हर आशा बहनों को ट्रेनिंग दे के वो घर घर में अपने गांव में अपने क्षेत्र में 1000 का पॉपुलेशन में एक आशा बहन होती है। आशा बहन अपने जो क्षेत्र है जिससे अपने फैमिली जिस फैमिली को उसको केयर करना है फैमिली में घर घर पे जाती है, वहाँ जाके कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी उसको आइडेंटिफाई करती है, उसकी नॉन करती है, उसका रजिस्ट्रेशन करती है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो उसकी प्रेगनेंसी दरमियान 3 बार उसकी 4 बार उसकी विजिट लेती है, उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ले जाती है, उसको वहाँ टेस्टिंग करवाती है कोई दिक्कत है नहीं है ये भी वहाँ ही हो जाता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी उसको इंसेंटिव दिया जाता है और माँ को भी इंसेंटिव दिया जाता है, उसको ले जाने के लिए भी हॉस्पिटल की सुविधा है, और जब बच्चा पैदा होने के बाद जब आपको अपने घर पर आने के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, और वहाँ से जब वो घर पर आते हैं और 2-3-4 दिन जब हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना पड़ता है तो उसके परिवार के एक मेंबर भी उसके साथ होते हैं, उसको भी 300 रुपीज प्रतिदिन दिया जाता है जैसे कि उसको भी दिक्कत ना हो, और उसको उसकी पर डे की कई ऐसे भी लोग होते हैं जो पर डे रोजगारी पर डे कमा के पर डे उसकी इनकम से उसका घर चलता है उसका परिवार चलता है तो उसको भी दिक्कत ना आए, इस तरह से उसकी केयर की जाती है। और उसके अलावा मीडिया के दृष्टि से भी व्यापक कैंपेन चलता रहता है, आपने देखा भी होगा, और इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस व्यापक से व्यापक हो और पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से हम उसके पर फैमिली प्लानिंग या तो पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में काम करें, ये बेसिक सिद्धांत के आधार पर भी हम काम करते हैं। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव साधन का मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग हो, एक क्वालिटी लेवल के कॉन्ट्रासेप्टिव साधन मिले, नॉट ओनली फॉर कॉन्डम बट अभी पील का भी उपयोग कैसे बढ़े, पील का उपयोग भी व्यापक तौर पर कैसे हो उसके लिए भी प्रयास हो रहा है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आए हैं तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रचार हो उसके लिए अवेयरनेस हो महिलाओं के लिए, उसके साथ कंसल्टेशन किया जाए, उसका ग्रुप के साथ बातचीत की जाए। हमारी आशा बहन जाके ये भी काम करते, कई एनजीओ भी इस काम में लगी हुई है, और एनजीओ के अलावा भारत सरकार के टेलीविज़न रेडियो ये सब माध्यमों का उपयोग करके देश में उसका परिवार नियोजन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार का कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है। और यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात होती हो रही थी, मैं बताना चाहूँगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.7 थे वो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 में और जो रेट है वो कम हो के 2.7 से कम हो के 2.0 तक पहुंच गया है, वो हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन है। क्रूड बर्थ रेट जो 23.8 थे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बता रहा है कि वो 90.7 आ गया है, वो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। क्रूड डेथ रेट वो भी 7.6 से डिक्लाइन हो के नेशनल हेल्थ सर्वे में वो आ गया है 6% तक। वैसे ही आज 36 स्टेट में से 31 स्टेट 2.1% उसका फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% तक पहुंच गया है, वो अच्छा इंडिकेशन है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज का भी फरीक
बढ़ा हुआ है। वो पहले 48.5% होता था, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 56.5% तक उसका व्याप बढ़ा है। वैसे ही अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग में 13.9 थे, वो वहाँ से कम होकर 9.4% तक पहुँच गए हैं। टीन एज बर्थ रेट में भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 5 के हम कंपैरिजन करें तो 16% से डिक्लाइन होके 6.8% तक आ गया है। वैसे टीन एज मैरिज में भी बहुत डिक्लाइन हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, 47.4% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में था, वो वहाँ से कम होके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 23.3 हो चुका है। ये इंडिकेशन दिखाता है कि आज के दिन में पॉपुलेशन कंट्रोल में सरकार की जो नीति है वो बिना बल जबरन करके, पब्लिक अवेयरनेस करके, पब्लिक को एजुकेट करके हम हमारी पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर राकेश सिन्हा जी के मैं साथ हूँ कि देश में फैमिली छोटा होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टेबिलाइज होना चाहिए, और पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन के लिए जो हमारी आज तक की पॉलिसी रही है यही पॉलिसी को निर्धारित करके हम हमारे लक्ष्य को अचीव करेंगे। इसलिए मैं सम्मानित सदस्य को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपकी जो भावना है कि सभी नागरिकों को हेल्थ केयर अच्छा मिलना चाहिए, हम अच्छा हेल्थ केयर मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आपकी भावना है कि देश का पॉपुलेशन स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल हो इसके लिए नंबर ऑफ टाइप के इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, और आपकी भावना है कि सभी क्लास, ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय भौगोलिक क्षेत्र एज सभी को विकास की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल भी रहा है, देश आगे भी बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत में जो आपका सपना का भारत बनेगा, जो आपने सपना देखा है, जिस उद्देश्य से आप जिस बिल को लेकर आए हैं, ये उद्देश्य के अनुसार नया भारत और नया देश बनेगा, ऐसी अपेक्षा है। मैं राकेश सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपका बिल वापस लें।